नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शुक्ला वापस आप लोगों के बीच में। दोस्तों आज हमारे साथ जो दो लोग दिख रहे होंगे आपको, बहुत सीनियर दिख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विजेता पार्षद हमारी साथ हैं 49 से, जो कि आशा तिवारी जी हैं और साथ में उनके पति कुंज बिहारी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इस बार मैदान में आ रहे हैं और भाजपा से इन्होंने आवेदन किया है, तो पूरी चर्चा इनसे करेंगे। कुंज बिहारी जी और आशा जी, आप दोनों का स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, और आप दोनों से जानना चाहूँगा इस वार्ड के बारे में, पहले आप बताएं। और आप पहले से पार्षद रह चुकी हैं, इस बार कमल से आपने आवेदन किया है मैडम के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हमने आवेदन 2011 से आवेदन किया था, बीजेपी ने सिम्मल दिया, उस समय सपा का शासन काल था। हमने नादमल 20-25 हज़ार रुपये खर्चा करके विजयी हो के दिखा दिया था। फिर मतलब सपा का टाइम था उस समय, और मतलब लहर अच्छी थी सपा के टाइम में। सपा की सरकार में हमने काम भी कराया। अगर आप ट्रांसपोर्ट नगर की जनता से पूछिए तो गंगा बिहार महेंद्र नगर जहाँ जहाँ लाइट लगवाना, रोडें इतनी खराब थी कि मैं वहाँ के अधिकारियों से बोलती थी कि चल के आप पैदल थोड़ा देखे, नहीं चरपहिया से चलिए, आप बिल्कुल झूला झूलते दिखेंगे, ऐसी रोड है वहाँ की। ट्रांसपोर्ट नगर में काफी बदलाव आया था। हम लोगों ने जो काम कराया है शायद कोई कराया हो जी, और अगर टिकट मिला तो हम जरूर लड़के या फिर से दिखाएंगे कि कैसे पार्षद काम करते हैं। बिहारी जी, क्या लगता है संघ आपको टिकट इस बार देगा कि नहीं देगा? अगर रैपिड सर्वे करवाएंगे, जनता से पूछेंगे कि कौन यहाँ भारी पड़ रहा है बीजेपी से, तो पब्लिक के रैपिड के हिसाब से हमने जब बायो डाटा देने गए थे यही कहा था कि सीट मत गंवाना, सर्वे करा लीजिए, जो भारी पड़े उसी को टिकट देना, ना कि हमारे कहने पे कि आशा तिवारी को ही दीजिए, हमारी पत्नी है, सर्वे करा के जो भारी पड़े उसी को टिकट देना। नहीं, आपका मान्यता ये है कि मतलब अगर आप गलत लोगों को देंगे तो आप यहाँ बीजेपी के लिए तो थोड़ा सीट निकल जाएगी। सीट नहीं मिलेगी इन लोगों को, बीजेपी हार जाएगी पक्का, ये आप बात मान के चलिए कि अगर दूसरे को टिकट देते हैं तो यहाँ से अगले बार यही तो हुआ है। मतलब इतना फुल कॉन्फिडेंट होने का, तो आपने क्या क्या क्षेत्र में काम कराया, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। उस समय हमने रोडे बनवाई, देखिए यहाँ मंडी का पानी हमारे क्षेत्र में पलटा गया। हमें बीच रोड में लेटने के लिए भी तैयार हो गई कि हम तब तक नहीं बनवा इस दर खोदने देंगे जब तक अधिकारी ऊपर के नहीं आएंगे, नगर आयुक्त आए, मंडी का सचिव आए, ताकि हमारे क्षेत्र में यहाँ पानी तो निकाल रहे हैं फिर रोड खोद के छोड़ देंगे। फिर हमने रोड भी बनवाया जी, ये फिर रोड हमने बनवाया अपने शासन में जी। यहाँ पार्क वगैरह जो बने, पार्क हमने बनवाया। अच्छा, ये जो इतना गड्ढा था, इतनी पन्नी कूड़ा के पूछिए मत, 25 फुट का गड्ढा था। फिर उसको देख लीजिए कितना अच्छा, रामकथा पार्क से मैंने सदन में पास भी करा दिया। अच्छा, लाइट वगैरह की यहाँ क्या व्यवस्था है? बराबर सही उस समय थी कि गड़बड़ था? कुछ लाइट वाइट थी? कुछ भी नहीं था। अच्छा, आप रोडों में चलना मुश्किल था, अगर शाम हो जाए या कोई सोचे कि हम यहाँ से निकल लें तो बड़ा मुश्किल होता था कि कैसे निकले। मतलब आपके टाइम में उस समय खम्भे भी नहीं थे, लाइट भी बहुत कम थी, बाद में उसको आपने सही कराया 5 वर्षों में। खम्भे लगवाए, लाइट सब जगह लगवाया, ऐसा नहीं आप यही शंकर चौराहा से उधर जाइए और देखिए कि यार रोड बनी है, डिवाइडर भी बना है, सब कुछ ये हमने किया। इधर पुलिस चौकी से इधर की रोड बनवाया, ऐसा हमने जितना हो सका भाई, अब जितना हमको, क्योंकि हमारी सरकार तो उस समय बीजेपी की नहीं थी, उस समय तो सपा की सरकार थी, फिर भी हमने मतलब विरोधी सरकार के बावजूद हमने काम बहुत कराया। कैसा लगता है कि इस बार क्या जनता आपको सपोर्ट करेगी क्या नहीं करेगी? जी, हमने आवेदन कर दिया है, जनता के कहने के हिसाब से हमने आवेदन हर जगह बीजेपी के सगल दे आए हैं। जनता अगर चाहेगी सर्वे करा लीजिए, जिसको कहे तो उसी को बीजेपी टिकट दे, ये ना कहिए कि कुंज बिहारी तिवारी। अभी भी लोग हमारे पास आ रहे हैं अपने कि आप खड़े होइए। अच्छा, आप जीत जाएंगी, अगर आपको टिकट मिलता है आप जीत जाएंगी, क्योंकि आपने काम कराया है क्षेत्र में। हाँ, अभी भी काफी लोग आके गए हैं। हाँ, अभी देख आपके सामने आए हैं। अच्छा, क्षेत्र में आपने बैनर भी कहीं नहीं लगाया?
बाइनरी से नहीं लगा कि अगले 2011 में भी हमने नहीं लगवाया था। अच्छा। वो शाहिद टेलर थे, 8-10 बैनर लगा के उन्होंने लगवा दिया था। तो विदाउट बैनर से आप पार्षद पिछली बार आप बनी। हाँ। जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम यही कहेंगे कि हमें हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि मुझे इस बार मौका दीजिए ताकि हम फिर से अच्छा काम कर सकें, हमें भारी मतों से विजयी बनाइए। हम बस यही आप कहना चाहते हैं सर, जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? जनता हमको चाह रही है कि भैया भाभी को इलेक्शन लड़ा दीजिए। अच्छा। आप बीजेपी से सिम्बल मिले तो अति उत्तम, नहीं तो ऐसे आप पुराने आदमी हैं, सभी पूरा इलाका जानता है। हाँ। आपको हम लोग सब सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए हम जनता के आभारी रहेंगे। अगर बीजेपी टिकट देगी तो बहुत अच्छे मतों से निकालेंगे। हाँ। नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे। अच्छा, निर्दलीय भी आप लड़ सकते हैं? तो ये निर्दलीय लड़ने का मतलब कि भाजपा को आप बड़ा झटका फिर दे सकते हैं आप? हाँ, तब तो हम भाजपा को झटका दे देंगे। तो ये थे हमारे साथ कुंज बिहारी जी और उनकी पत्नी आशा तिवारी जी, जो कि पूर्व पार्षद रह चुकी हैं, जिन्होंने अपना वीडियो में सब कुछ बताया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन्होंने ये कहा है कि अगर भाजपा हमें टिकट देती है तो हम यहाँ से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, अदरवाइज हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से विजयी होंगे।